देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शासकीय अस्पताल गरोट में विशाल रक्तदान शिविर का हुआ संपन्न। गरोट भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर शासकीय अस्पताल गरोट में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। साथ ही टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ के द्वारा किया गया। इस रक्तदान शिविर में 172 रक्तदान यूनिट रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारी उपखंड राजस्व गरोट हैं। नियंत्रण अधिकारी आर के दिवदी की देखरेख में चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक गरोट की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। रक्तदान करने वाले युवाओं का विधायक द्वारा किया गया सम्मान। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा, खाद, पर्ची आदि हितग्राहियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया एवं टीवी चैंपियन एवं रक्तदान करने वाले युवाजनों का पुष्पमाला पहनाकर शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। विधायक देवीलाल धाकड़ एवं नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर के जनसभा को संबोधित किया और लाइव प्रसारण को देखा गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा के नेता राजेंद्र जैन, रंजीत सिंह चौहान, उमराव सिंह चौहान, नगर परिषद उपाध्यक्ष महेश मालवी, राजेश चौधरी, राजमल सुरावत, दिनेश पाटीदार, राहुल पाटीदार, राधाकिशन पाटीदार, बालकिशन पाटीदार, नारायण सिंह सिसोदिया, दिनेश मालवी, प्रकाश पहलवान, धर्मेंद्र शर्मा, मीना पंजाबी, बबलू मंडलोई सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं तहसीलदार नारायण नादेड़, नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी, सविता राठौर, डॉक्टर आदित्य शर्मा, डॉक्टर दरबार सिंह, सतीश शर्मा, रामनारायण धनगर, महिला बाल विकास अधिकारी रीना झंझोरिया सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, समस्त अस्पताल स्टाफ, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। गरोट संवाददाता जीवन साकला की रिपोर्ट।